मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सत्तर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए, साथ ही साथ 10th बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर है हिंदी के बारे में। हिंदी का देखिए, जब व्याकरण पोर्शन होता है आपका समास, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग समास को स्टार्ट करते हैं और ये आपको फिर से 2 नंबर देखा जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डियर फ्रेंड्स, देखिए बात हो रही है समास की, तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि समास होता क्या है। तो समास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी बस आप लोग को इसमें जागरूकता रखने की ज़रूरत है। बस देखिए, यहाँ पर समास के बारे में कहा जाए तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाला मेल जो होता है वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। देखिए, दो या दो से अधिक पद, देखिए यहाँ पर जो लिखा जा रहा है ये चीज़, ये बातें आपको याद रखनी है, यही बातें हैं यहाँ पर। दो या दो से अधिक पद मतलब ये कहा गया कि समास जब भी आप पढ़ेंगे तब आपको सदैव दो पद देखने को मिलेंगे, ये बात हो गई पहली चीज। उसके बाद यही इतना डिफिनेशन है इसमें का। अब इतना अगर आपको पता है तो समझ लीजिए आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हटा लिया जाता है ये जो, देखिए यहाँ पर आपका इस पर जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आपके समास के प्रकार के बारे में, तो समास के प्रकार को भी देखा जाए, समास के प्रकार कितने होते हैं इनको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए समास के बारे में देखा जाता है तो यहाँ अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास और चौथा होता है बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवा जो है यहाँ पर आपका कर्मधारय समास। तो डेशन देखिए यही 6 प्रकार होते हैं, बहुत ईजी सभी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कड़ी चीज़ है, मैं इसको बहुत सरल भाषा में आप लोग को बताऊंगा, ध्यान से बस आप लोग जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर सब बहुत ही सीधा सीधा है। देखिए समास के बारे में बात किया गया तो पहले ही आपको पता चल गया कि जिसमें दो पद होते हैं, ये तो पता आपको रहना ही चाहिए कि दो पद जिसमें मिलेंगे तो वहां पर आपको कितना होगा, वहां पर आपका तुरंत जस्ट जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास। तो ये समास तो हम समास के लिए पहले ही मैंने बताया कि जितने भी दो पद मिलेंगे, दो पद दो पद दो सब में दो पद आपको मिलेंगे, बस थोड़ी सी डिफिनेशन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे आपको ये बहुत सरल चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आप इसको कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं डिस्कशन, देखिए मेरा पहला जो है यहाँ पर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है पेपर में, तो पहली टॉपिक जो इसमें आपकी अव्ययी भाव समास, देखिए क्या है अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग बात करें। तो देखिए इस समय ने पहले ही बताया था कि समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं दो पद। तो देखिए डिफिनेशन हम सरल भाषा में लिखा गया है, अव्ययी भाव समास अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें दो पद होते हैं जिसका पहला पद क्या होता है प्रधान तथा दूसरा अवयव या सीधा सीधा होता है, उससे वो साधारण होता है, दूसरा पद क्या होता है साधारण होता है, सीधा सीधा बस लिख देते हैं हम लोग, अवयव का काम करता है और सीधा होता है, ठीक है। पहला पद प्रधान होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल को। देखिए अव्ययी भाव समास में मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं सभी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं देखिए यहाँ पर लेकर डिस्कशन भी मैं उन लोग को लेकर रहा हूँ, तो उनको देखिएगा ध्यान से। जो भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 5-4 यहाँ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को मैंने शामिल किया हुआ है और सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पहला जो लिया गया एग्जाम्पल है आपका, कभी कभी पूछ देता है सीधा सीधा आपको कि आजन में कौन सा ये समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, प्रतिफल में कौन सा, यथावधि में कौन सा समास है, ये चारों के चारों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कितनी बार न जाने पूछे गए हैं ये। अगर आपको एक नंबर पूछा जाए कि आजन्म में कौन सा समास है तो सीधा सीधा आप बता के जाएंगे अव्ययी भाव समास है। मैंने पहले बताया देखिए दो पद है यहाँ पर आ और जन्म, तो यहाँ पर जन्म तो लेता है इंसान, जन्म की बात अलग होगी लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जन्म से लेकर, ये बात इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, जन्म से लेकर के वो जन्म से लेकर, जैसे नहीं कहते हम लोग सूरदास जो है वो आजन्म अंधे थे, तो आजन्म वहां पर जो आपने लिखा तो वहां पर समास जो आपको मिला कौन सा मिला अव्ययी भाव समास मिला। तो कुछ लोग का विद्वानों का मतभेद था कि बाद में अंधे हुए, तो आजन्म का मतलब हो गया जन्म से ही, जन्म से ही, ये एक विशेष चीज, जन्म तो अलग चीज हो गई, जन्म तो साधारण हो गया आपका लेकिन आज लगने के बाद ये विशेष बन गया। यथाशक्ति देखिए शक्ति तो है लेकिन शक्ति के अनुसार व्यक्ति क्या करता है अपना परिवर्तन करता रहता है, अपने अंदर अनुरूप वो बदलता रहता है। यहाँ पर देखिए जो चौथी तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है प्रतिफल, प्रतिफल पल तो आप जानते ही हैं, जो भी घटना घटित हो रही है तो हर पल की बात हो रही है प्रतिफल, तो प्रतिफल में भी आपका कौन समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके साथ ही साथ देखिए यथावधि जो दिया गया है, यथावधि में भी जो है आपका अवधि अवधि के अनुसार समय के अनुसार, तो यहाँ पर भी जो है आपका सीधा सीधा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं ये सभी जो प्रश्न होते हैं, सभी जो प्रश्न बताए गए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत है जरूरी। अव्ययी भाव समास के जो एग्जाम्पल चालू लिए गए इनको जरूर देखिएगा और उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग दूसरे समाज के साथ या और अलंकारों के साथ। जय हिंद।